अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग जाते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूली भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर अभिमानी पशुओं ने पाव नहीं धरा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मूल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है, न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर व नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकत रखता है और सारे आकाशमंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जब जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है।